नमस्कार, मैं रसिक ठाकुर YouTube में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर ले ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करने वाला हूँ मैं वो कछुए के बारे में है। तो कछुए देखने को मिलते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं, वो जल में रहने वाला जिसको टर्टल बोलते हैं और ज़मीन पर रहने वाला जिसको टर्टोइज बोलते हैं। तो आज मैं ज़मीन पर रहने वाला कछुआ यानी कि टर्टोइज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। कछुआ वो हर जगह दिखाई देने वाला सामान्य जीव है। कछुआ एक बहुत ही प्राचीन जीव है जो अपने डाल जैसे कवच के कारण जाना जाता है। उसका कवच बहुत ही मजबूत होता है। ज़मीन पर रहने वाले कछुआ का कवच वो खरबचड़ी चपाटी वाला और उसके ऊपर डिजाइन यानी कि पात देखने को मिलती है, और जो उसके ऊपर जो पात यानी कि जो डिजाइन है वो सूर्य की जैसी दिखाई देने के कारण उसको गुजराती में सूरज काचबा भी बोलते हैं। और कठिन परिस्थिति में जो उसका कवच है वो ज़मीन के नीचे रहने के दौरान उसकी सुरक्षा करने के लिए उपयोगी है। कछुआ को खतरा होने पर वो अपने सिर और पैरों को सिकोड़ कर कवच के अंदर छुप जाते हैं। कछुओं का कवच ऊपर से उभरा हुआ और नीचे से चपटा होता है। वर्तमान समय में कछुओं की 320 से भी ज़्यादा प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से कई सारी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है। कछुआ ठंडे खून वाले जीव है, वह सर्दियों में निष्क्रिय हो जाते हैं। कछुए के कद में भी विविधता देखने को मिलती है, वो 8 सेमी से लेकर के 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर तक दिखाई देते हैं। उसके उम्र और कद के हिसाब से उसके वजन में भी विविधता देखने को मिलती है। बड़े कछुए का वजन 700 से 800 किलोग्राम तक पाया जाता है। कछुए के पैरों की रचना देखें तो वो उंगलियों अलग अलग और नाखून वाली होती है। तो मादा कछुआ होती है वो पहले ज़मीन में गड्ढा गाड़ लेती है और उसके अंदर अंडे रखकर फिर से वो गड्ढा पूर देती है और उसके अंदर 100 से लेकर 200 तक अंडा देती है। और उसके जो अंडे होते हैं वो सूर्य की गर्मी से सेबे जाते हैं और बच्चे को अंडे में से निकलने में 2 से 4 महीने का समय लगता है। और जब बच्चे अंडे में से निकलते हैं उसके बाद वह ज़मीन में से अपने आप निकलने लगते हैं। और कछुए के अंडे और बच्चों को मादा कछुए को संभालने की ज़रूरत नहीं होती है। और कछुए जो मुंह के अंदर खाने के लिए दांत नहीं होते हैं, उसकी जगह दांत की जगह पर जड़बा होता है। और जो ज़मीन पर रहने वाला कछुआ है वो शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन होता है। वह अपने खुराक में हरी भाजी, हरी सब्जियां, फल फूल आदि लेता है। कछुए को सुस्त जीव के तौर पर देखा जाता है, उनकी चलने की गति एकदम धीमी होती है। कछुआ जो है वो आधा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और जो कछुआ का आयुष्य देखे तो 150 साल तक पाया जाता है। आपको जो कछुए के बारे में वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नए नए वीडियो में लेके आता रहूं। वीडियो देखने के लिए खूब खूब आभार, धन्यवाद, थैंक यू।